मामला 2 करोड़ 68 लाख रुपए के किए विकास का है, कहीं जाइएगा नहीं अगर आप सचमुच में अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट देते हैं तो। एक सवाल यह भी गौर करने वाला यह है कि वर्तमान विधायक का शिलान्यास के समय जो सड़क की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं करने संबंधी लच्छेदार भाषण आम जनता को सुनाया जाता है, वो अब घटिया निर्माण कार्य पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से, आप सभी का आरबीसी चैनल पर स्वागत है। देखिए खबर दैनिक भास्कर क्या लिखता है, संवेदक एवं अभियंता की मिलीभगत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भारी अनियमितता, 1 साल में ही जर्जर हो गई सड़क। आहाहा क्या बात है, खबर है और क्या विकास है, ये दोनों मुद्दे आपके समक्ष है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हैदरनगर मोहम्मदगंज मुख्य सड़क के बलडेहरी से गाजी बिहरा तक की सड़क निर्माण में संवेदक एवं ग्रामीण कार्य विभाग की तकनीकी अधिकारियों के मिलीभगत से भारी अनियमितता बरती गई है। इस कारण निर्माण के 1 साल के अंदर ही सड़क की हालत खस्ता हो गई है। आप देख सकते हैं मरम्मती कार्य की वानगी आपके समक्ष है। झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण JSR RDA रांची द्वारा वर्ष जनवरी 2022 में पैकेज संख्या 3069-2141 के तहत निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसकी प्रकलित राशि 2 करोड़ 68 लाख रुपए थी। बताया जाता है कि उक्त सड़क का निर्माण और वर्ष 2022-23 में कराया गया था। प्रकलन के अनुसार कार्य न कराकर काफी घटिया कार्य किया गया था, जिसके कारण अब टूटी सड़क पर पुनः पैच पोट किया जा रहा है। निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध के बावजूद भी संवेदक एवं विभागीय तकनीकी अधिकारियों और अपने रवैये में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। विभागीय सूत्र का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने के बाद विरोध तकनीकी अधिकारियों ने वहां पहुंचकर खटिया निर्माण कार्य के स्तरहीन गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए संवेदक को कई दिशा निर्देश भी दिए थे, किंतु अपनी ऊंची राजनीति पहुंच के कारण इस योजना में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य पुनः स्टार्ट हो गया है मरम्मती का। इसके फलस्वरूप 1 वर्ष के अंदर ही सड़क जगह जगह टूटती हुई दिखाई आपको साफ तौर से दे रही होगी। बावजूद यकों व तकनीकी अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूरे प्रखंड में उपरोक्त योजना के तहत दर्जनों इलाके सुधार कार्य एवं घटिया तरीके से कराया जा रहा कार्य को पुनः सुधारा जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय विधायक भी नहीं करते दिख रहे हैं। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिलान्यास के समय जो जनप्रतिनिधि सड़क की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने वाले संबंधी लच्छेदार भाषण आम जनता को परोसते हैं, अब वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए।